अब रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक होने पहुंचे और इस दौरान चिदम्बरम ने बताया कि 10 साल के बाद वो श्री हरमंदिर साहिब आ रहे हैं। बता दें कि इस दौरान पी चिदम्बरम ने एक भी राजनीतिक सवाल का जवाब नहीं दिया। बीएसएफ के 73 बटालियन के सीओ बलराज सिंह ने बताया कि अब बीएसएफ में भर्ती के लिए रिटर्न और साथ ही फिजिकल टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी। जानकारी के मुताबिक इस कदम के पीछे बीएसएफ में पंजाब के नौजवानों की घटती संख्या बताई जा रही है। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अकाली दल ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी को लेकर रामपुरा फूल में अकाली दल में वर्करों की भर्ती शुरू कर दी गई है, जिसके चलते पूर्व मंत्री सिकंदर सिंह मलूका ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मलेरकोटला में गुरुद्वारे से लेकर ट्रक यूनियन चौक तक पौधा लगाने की मुहिम का आगाज किया गया है। बता दें कि इस मुहिम की शुरुआत इसके चैरिटेबल ट्रस्ट और पंजाब पुलिस की तरफ से की गई है। इस पौधारोपण कार्यक्रम में कई महिला पुलिस मुलाजिमों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जालंधर के थाना नंबर 8 के अंतर्गत आते संतोखपुरा में दरअसल एक बुजुर्ग महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग महिला की मौत का पता उस समय चला जब मोहल्ले में बदबू आने लगी और वहीं पुलिस ने शव कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। पंजाब में लगातार हो रही बारिश लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। बारिश की वजह से नंगल के साथ लगते गांव मोजोवाल में तेज पानी के बहाव में बाइक फंस गई। हालांकि गनीमत की बात यह रही कि बाइक सवार बुजुर्ग ने किसी तरह खुद को संभाल कर दो बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। जीटी रोड बीजा के नजदीक दरअसल कांवड़ियों की गड़ी जीप को ट्रेंटर ने टक्कर मार दी, जिसमें एक कांवड़िए के मौके पर मौत हो गई और वहीं 4 कांवड़िए घायल हो गए। वहीं सही इंतजाम नहीं होने पर कांवड़ियों ने नेशनल हाईवे जाम कर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अमृतसर में रेलवे पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब पुलिस ने 55 लाख रुपए का सोना बरामद किया है। पुलिस ने मौके से 2 व्यक्तियों को भी हिरासत में लिया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों के पास सोने का बिल नहीं था, जिस वजह से पुलिस को शक हुआ। हर साल सावन के महीने में पंजाब से लाखों लोग मां नैना देवी के दर्शन के लिए जाते हैं। इस प्रथा को आगे बढ़ाते हुए इस साल भी समाना से नैना देवी के लिए पैदल यात्रा शुरू की गई। यात्रा में 251 लोगों ने यात्रा के लिए रवाना हुए और यात्रा 1 अगस्त को मां नैना देवी के दर्शन के साथ थमेगा। गिदड़बाह में बीते 15 दिनों से सीवरेज के पानी से परेशान मोहल्ला बेंटाबाद के लोगों ने धरना प्रदर्शन कर आपको बता दें कि स्थानीय विधायक और साथ ही सीवरेज बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि बारिश के बाद लगातार पानी सड़कों पर रुका हुआ है, जिससे कि जनता को काफी परेशानी हो रही है। जियाला के गांव गंडाखेड़ी नहर में एक बच्चे का शव नहर के किनारे पर मिला है। हालांकि शव की पहचान की जा रही है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से 2 परिवार वालों को बुलाया गया है। वहीं पुलिस ने पूरे मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खन्ना से अमलोह होकर हरियाणा राजस्थान को जोड़ने वाली सड़क की खस्ता हालत को लेकर खन्ना निवासियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस दौरान यूथ अकाली दल के नेता यादविंद्र सिंह जादू भी प्रदर्शन में मौजूद रहे। कोटकपुरा में आपको बता दें कि दरअसल पिछले कई दिनों से नगर निगम की ओर से सीवरेज पाइपलाइन नहीं डाली गई है, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गुस्साए लोगों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।